इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑन पेज एसईओ एक्टिविटीज वर्सेस ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटीज। ऑन पेज एसईओ के अंदर हम क्या करते हैं उसका मेथड, उसके चेकलिस्ट, प्लस ऑफ पेज एसईओ के अंदर हम क्या करते हैं उसके मेथड्स, उसके चेकलिस्ट। अक्सर स्टूडेंट्स और हमारे दोस्त यूट्यूब पे आके इस टॉपिक को, इस कंफ्यूजन को कई नामों से सर्च करते हैं, जैसे ऑन पेज एसईओ मेथड्स वर्सेस ऑफ पेज एसईओ मेथड्स, ऑन पेज एसईओ टेक्निक्स वर्सेस ऑफ पेज एसईओ टेक्निक्स। इस टाइप के सर्चेस स्टूडेंट्स और हमारे दोस्त यूट्यूब पे आके सर्च करते हैं, वो जानना चाहते हैं कि इसके अंदर हम करते क्या क्या है, उसका प्रॉपर एक चेकलिस्ट, वो मेथड्स के नेम, राइट। सो अगर आपको भी ऑन पेज एसईओ मेथड्स के बारे में जानना है, ऑफ पेज एसईओ के मेथड्स के बारे में जानना है, उनका एक प्रॉपर चेकलिस्ट चाहिए, देन आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख सकते हैं बिना स्किप किए हुए, एंड सीख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। सो व्हाट इज ऑन पेज एसईओ? सो ऑन पेज एसईओ इज अ प्रोसेस अंडर एसईओ in which we optimize our web pages, website or any article for any specific keyword so that it can rank, or if it is already ranking, so then we can improve its ranking or visibility. अगर इसको सिंपल भाषा में समझे, इसको आसानी से समझे, तो इसके अंदर ऑन पेज एसईओ एक वो प्रोसेस है, एसईओ के अंडर, एसईओ के अंडर एक ऑन पेज एसईओ एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस के अंदर हम अपने वेब पेजेस को, अगर कोई पेज है हम अपने वेब पेजेस को, अगर कोई आर्टिकल है, कोई ब्लॉग है, तो उस ब्लॉग को, वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं किसी एक पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, ताकि अगर कोई भी उस कीवर्ड को गूगल पे आके सर्च करे तो हमारा वो जो आर्टिकल है, जो हमारा वेबसाइट है, जो हमारा वो पेज है, वेब पेज है, वो रैंक कर पाए। तो इस प्रोसेस में हम उसको ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि वो रैंक कर पाए। अगर वो पहले से ही कहीं रैंक कर रहा है, उसकी रैंकिंग नीचे है, थर्ड पेज पे, सेकंड पेज पे है, तो हम जो भी कमी है उसको, उन कमियों को ऑप्टिमाइज करके उसकी रैंकिंग को बढ़ा पाए। सो जब बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन की, जब हम बात करते हैं कि एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम ऑप्टिमाइज करते हैं, तो वो जो ऑप्टिमाइजेशन है, वो जो ऑप्टिमाइज है, आखिरकार करते क्या है, राइट? एंड वही चीज आपको जानना है जिसको हम बोलते हैं ऑन पेज एक्टिविटीज, ऑन पेज मेथड्स, राइट? सो बात करते हैं ऑन पेज एक्टिविटीज के बारे में कि आखिरकार वो ऑप्टिमाइजेशन, उस प्रोसेस के अंदर हम आखिरकार वो करते क्या क्या है, वो स्टेप क्या क्या है। तो अगर उस स्टेप की बात करें, उन ऑप्टिमाइजेशन स्टेप्स की बात करें, ऑन पेज एक्टिविटीज की बात करें, तो उसमें आते हैं, सबसे पहले हम, अगर कीवर्ड रिसर्च हमने नहीं किया तो कीवर्ड रिसर्च करते हैं, सेकेंडली उसके बाद हम कीवर्ड रिसर्च करने के बाद कीवर्ड को प्लेस करते हैं, कीवर्ड को आर्टिकल के अंदर हम डालते हैं, देन वी डू कॉन्टेंट मॉडिफिकेशन, कॉन्टेंट को मॉडिफाई करते हैं, आर्टिकल को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में डालते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद मेटा टेक्स्ट को ऐड करते हैं ऑन पेज के अंदर, एंकर टेक्स्ट को ऐड करते हैं उसके अंदर, इंटरनल लिंक्स बनाते हैं ऑन पेज के अंदर, हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, इमेज ऑप्टिमाइजेशन के बाद हम टैग्स को डालते हैं, टैग्स अगर हमने डाल दिया है, देन वी क्रिएट कैटेगरी, अगर कैटेगरी पहले से ही है तो उस कैटेगरी के अंदर उस आर्टिकल को डालते हैं, राइट? उसके बाद हम अपने उस आर्टिकल के लिए, उस पेज के लिए सब टाइटल डालते हैं, सब टाइटल के बाद हम उसके अंदर मेटा डिस्क्रिप्शन डालते हैं, जो कि हम सर्च करते हैं, तो सर्च करने के बाद जो रिजल्ट आता है, तो वो जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो नीचे आता है उसको हम बोलते हैं सब टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। अगर हमने मेटा डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया है, उसके बाद हम क्या करते हैं, पोस्ट के टाइटल को डालते हैं, पोस्ट टाइटल डालने के बाद हम उसको शेयर करते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स थे, ये वो सारे मेथड्स थे, टेक्निक्स थे, जो कि हम ऑन पेज के अंदर करते हैं, जिनको हम बोलते हैं ऑन पेज एक्टिविटी, ऑन पेज एसईओ एक्टिविटीज, राइट? मूव करते हैं ऑफ पेज की तरफ। सो व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ? ऑफ पेज एसईओ इज अ प्रोसेस, ऑफ पेज एसईओ इज अ प्रोसेस इन विच वी ट्राई टू इम्प्रूव द अथॉरिटी, वी ट्राई टू इम्प्रूव द वैल्यू ऑफ एनी पर्टिकुलर पेज, ऑफ एनी पर्टिकुलर आर्टिकल और ब्लॉग। मतलब क्या, अगर इसको हम आसानी से समझे, तो जब हमने ऑन पेज करके, ऑन पेज करने के बाद जब हमने उस पर्टिकुलर पेज को, उस पर्टिकुलर आर्टिकल को हमने लाइव कर दिया है, पब्लिश कर दिया है, पब्लिश करने के बाद हम कोशिश करते हैं ऑफ पेज प्रोसेस की हेल्प से उस पेज को, उस आर्टिकल के लिए हम उसकी वैल्यू को बढ़ाए, और वैल्यू को हम कैसे बढ़ाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑफ पेज एक्टिविटीज। वो हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं ऑफ पेज के अंदर, जिसकी हेल्प से हम उस
वैल्यू वाले फैक्टर को, उस अथॉरिटी वाले फैक्टर को हम बढ़ाते हैं, और बढ़ाने से होता क्या है सबसे पहले इसको समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि वो क्या क्या एक्टिविटीज है ऑफ पेज के अंदर, उस प्रोसेस के अंदर जो हम करते हैं जिससे हमारा अथॉरिटी है, जो जिससे हमारा जो वैल्यू है वो बढ़ता है। सो लेट्स से आपने कीवर्ड रिसर्च किया, कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आपके पास एक कीवर्ड आया बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000। आपने इस कीवर्ड के लिए आर्टिकल लिखा और आप चाहते हो कि आपका ये जो आर्टिकल है इस कीवर्ड पे रैंक करे, राइट? तो आपने कीवर्ड रिसर्च किया, आर्टिकल लिखा, आर्टिकल लिखने के बाद आपने ऑन पेज किया, आपने वो सारे एक्टिविटीज किए जो अभी हमने ऑन पेज एक्टिविटीज के अंदर डिस्कस किए। एक्टिविटीज करने के बाद आपने वो सारी चीजें की, करने के बाद आपने उस आर्टिकल को अपने वेबसाइट के ऊपर कर दिया पब्लिश। अब आपकी वेबसाइट के ऊपर लाइव है, गूगल का क्रॉलर आता है, क्रॉल करता है, ऑन पेज एसईओ के सारे फैक्टर्स देखता है, उसको इंडेक्स कर लेता है। अब एक बात यहां पर ये है जो आप मेरे से एग्री करेंगे, वो ये कि आप अकेले नहीं है इस पूरी दुनिया में जिसने उस कीवर्ड के लिए आर्टिकल लिखा होगा। बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर होंगे, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल होंगे जिन्होंने उस कीवर्ड के लिए आर्टिकल लिखा होगा, और वो सब चाहते होंगे, वो सब ऑन पेज कर रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं, और वो सब चाहते हैं कि उनका आर्टिकल रैंक करे। ऐसे में सर्च इंजन किसको प्रेफरेंस दे, ऐसे में गूगल किसको प्रेफरेंस दे कि हाँ भाई इसको नंबर वन पे रैंक करे, इसको नंबर टू पे रैंक करे। तो ऑन पेज देखने के बाद, इंडेक्स करने के बाद, अब इंडेक्स करने के बाद गूगल देखता है कि यार किसका ऑफ पेज बढ़िया है। ऑफ पेज का मतलब क्या, इसको समझो। अब ऑफ पेज का मतलब ये कि किस आर्टिकल को बहुत ज्यादा रेफरेंस मिल रहे हैं। अब रेफरेंस का भी मतलब मैं आपको बताता हूं। लेट सपोज जैसे हमारा कीवर्ड है बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000, तो सर्च इंजन देखेगा, गूगल देखेगा कि यार इस कीवर्ड के लिए ऐसे और कितने दूसरे वेबसाइट हैं जो इस आर्टिकल को, जो इस लड़के ने, जो इस ब्लॉगर ने, जो इस आदमी ने अपने वेबसाइट के ऊपर डाला है, और ऐसे दूसरे कितने वेबसाइट हैं जो इसको लिंक दे रहे हैं, जो इसको रेफर कर रहे हैं। लिंक देने का मतलब क्या कि रेफर कर रहे हैं। लेट सपोज कि आपने एक आर्टिकल लिख दिया इस कीवर्ड के लिए, बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000 के लिए आपने आर्टिकल लिखा और ये आपकी वेबसाइट के ऊपर लाइव है। अब दूसरी वेबसाइट है कोई, लेट सपोज कोई स्मार्टफोन से रिलेटेड कोई वेबसाइट है, ठीक है, उन्होंने कोई अपने वेबसाइट के ऊपर कोई पोस्ट डाला, कोई आर्टिकल डाला, और उस आर्टिकल पे उन्होंने देखा कि यार ये जो आर्टिकल है अगर मैं इसको लिंक देता हूं तो इनका यूजर पढ़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपके इस आर्टिकल का लिंक अपने वेबसाइट के ऊपर दे दिया। अब इनका जो यूजर आएगा, इनकी वेबसाइट पे जो आके पढ़ेगा, उस पर क्लिक करेगा, तो वो आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा उस आर्टिकल को पढ़ने के लिए। तो ये जो है एक लिंक मिल गया, किसको मिला, आपको मिला है लिंक, आपको मिला है लिंक। और जब आपको मिला है लिंक किसी दूसरे वेबसाइट से, तो ये आपके लिए हो गया बैक लिंक। तो इसको गूगल क्या समझता है, इसको गूगल समझता है रेफरेंस, कि भाई ये वाली जो वेबसाइट है इस आर्टिकल को रेफर कर रही है, इस आर्टिकल को रेफर कर रही है, बता रही है कि इस आर्टिकल पे जाओ, अपने ऑडियंस को भेज रही है। तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है गूगल की नजरों में। अब ये जितने होंगे, मतलब ऐसे वेबसाइट आपके लिए जितने होंगे, उतना आपके लिए ज्यादा बैकलिंक होगा, उतना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, उतना आपका जो इमेज है, आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो ब्लॉग का, जो पेज का, जो अथॉरिटी है, वो गूगल के नजरों के सामने बढ़ेगा, और बढ़ते ही आपको प्रेफरेंस पहले मिलेगी और आपकी रैंकिंग ऊपर आएगी। सो ऑफ पेज में आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑफ पेज के अंदर हम जो अथॉरिटी वाली, वैल्यू वाली बात कर रहे थे, वो आखिरकार होता क्या है। अब समझते हैं ये जो बैकलिंक क्रिएट करने वाली बात है, ये जो अथॉरिटी बढ़ाने वाली बात है, वैल्यू बढ़ाने वाली बात है, रेफरेंस लेने वाली बात है, इसके लिए हम करते क्या क्या है, और उसी को हम बोलते हैं ऑफ पेज एक्टिविटीज। कि ऑफ पेज के लिए हम ये एक्टिविटीज करते हैं ताकि हमारे लिए एक बैकलिंक भी मिले। बैकलिंक मतलब क्या, रेफरेंस मिल रहा है दूसरे वेबसाइट से, और हमारी अथॉरिटी और वैल्यूज बढ़ रही है गूगल के नजर के सामने या फिर सर्च इंजन के सामने, राइट? सो ऑफ पेज के अंदर सारा खेल क्या आ गया, ऑफ पेज के अंदर सारा खेल आ गया कि किसको कितना रेफरेंस मिल रहा है, किसको कितना लिंक मिल रहा है। तो इसके अंदर हम क्या फोकस करेंगे, इसके अंदर हम ज्यादातर फोकस करते हैं कि दूसरे वेबसाइट से हम लिंक लाएं अपने लिए ताकि हमारी वैल्यू बढ़े। तो ऑफ पेज के अंदर आपको समझ में आ गया क्या करते हैं। अब एक बार मैं आपको सारी एक्टिविटीज के नेम बताता हूं, सारी एक्टिविटीज के नाम एक एक करके, सारे एक्टिविटीज के मेथड्स के नाम आपके लिए शेयर करता हूं जो आप सर्च कर रहे हो, राइट? नंबर वन इज लिंक बिल्डिंग, नंबर टू इज लिंक फॉर्मेटिंग, नंबर थ्री जो हम करते हैं वो करते हैं सोशल बुकमार्किंग, नंबर फोर जो हम करते हैं वो करते हैं क्लासिफाइड, नंबर फिफ्थ हम करते हैं डायरेक्टरी सबमिशन, नंबर सिक्स हम करते हैं गेस्ट ब्लॉगिंग या फिर गेस्ट पोस्टिंग, नंबर सेवन जो हम करते हैं आर्टिकल सबमिशन, नंबर एट जो हम ऑफ पेज के अंदर करते हैं वो करते हैं पीपीटी या पीडीएफ सबमिशन,
उसके बाद अगर हम अगले स्टेप की बात करें तो वो हम करते हैं वेब 2.0। सो ये था ऑन पेज एसईओ एक्टिविटीज वर्सेस ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटीज, और हमने ये भी जाना कि ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ के अंदर क्या डिफरेंस होता है, क्या करते हैं, और आपको एक प्रॉपर मेथड्स के नेम और चेकलिस्ट आपको मिल गया होगा दोनों का, ऑन पेज एसईओ का और ऑफ पेज एसईओ का भी। आपके लिए मैंने एक फाइल क्रिएट किया है जहां पर आपके लिए ऑन पेज एसईओ के प्रॉपर चेकलिस्ट और ऑफ पेज एसईओ के वेबसाइट्स के लिंक मैंने डाल दिए हैं कि सोशल बुकमार्किंग के ये वेबसाइट्स है जहां से आप कर सकते हैं, वेब 2.0 के वेबसाइट के ये लिंक है जहां से आप कर सकते हैं। सो इस बात पे आपको इस वीडियो को करना होगा लाइक एंड सब्सक्राइब करना होगा इस चैनल को, ताकि आप भी सीख पाए एसईओ के बारे में, वर्डप्रेस के बारे में, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में आसान भाषा में, सिंपल भाषा में। और मैं कोशिश करता हूं कि आपके पास वो सारे कंटेंट लेकर आऊं, प्रीमियम कंटेंट लेकर आऊं, और वो सारी चीजें शेयर करूं जिससे आप अपने लिए रिजल्ट्स को लेकर आ पाए। और शेयर करते टाइम मैं एक चीज का बहुत ध्यान रखता हूं कि आपको मैं सारी चीजें आसान से आसान भाषा में समझा पाऊं, आसान से आसान तरीके से समझा पाऊं। ऑन पेज का अगर आपको ट्यूटोरियल देखना है, ऑन पेज आपको प्रॉपर सीखना है, सारे स्टेप्स आपको देखना है कि कैसे हम प्रैक्टिकली करते हैं एक नए आर्टिकल पे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो और ऑन पेज सीख लो अच्छे से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सेल्फ लर्न, बिलीव एंड अचीव। बाय बाय, टेक केयर।